12 घंटे के भारत बंद का असर पूरे देश के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी दिख रहा है। त्रिपुरा के कांग्रेस भवन के सामने आज बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगरतला में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही बंद समर्थक बंद को सफल बनाने का प्रयास करते नजर आए। भारत बंद के मद्देनजर सभी दुकानें और परिवहन बंद हैं। बीजेपी की शासित राज्य होने के बावजूद त्रिपुरा में बंद का पूरा असर दिखने को मिला है, मगर अभी तक ऐसा कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट का खबर नहीं है। पुलिस चारों ओर चौकन्ना है, तैनात है अनटॉवर्ड इंसिडेंट को मुकाबला करने के लिए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के विरोध में करता है, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते हमारा भारत सरकार के माध्यम से 11 लाख करोड़ रुपया एनडीए सरकार ने लूट कर दिया है। वो फिर वो का दाम बहुत कम है, फिर भी पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। मेघालय में AICC के प्रभारी महासचिव लुइजिनो फलेरो और प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने केंद्र से ईंधन में मूल्य वृद्धि के फैसले को वापस लेने का आह्वान किया है। CLP के नेता मुकुल संगमा, मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेलेस्टिन लिंगदो, शिलोंग के सांसद विंसेंट पाला और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर AICC के नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। AICC नेता ने संवाददाताओं से कहा कि रुपए के पतन के कारण ईंधन की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारी कर लगाए जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल डीजल और खाना पकाने की गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। My party taught that we will start an awareness, consciousness campaign by declaring a Bharat Band. And I must tell you, the feedback we get from the people, the feedback we get from our other political parties is that, yes, it's a high time the government must roll back the prices of the petroleum products like oil, diesel, gas. अरुणाचल प्रदेश में भी भारत बंद का असर सर्वात्मक है। सुबह से ही बंद समर्थक शहर में घूम घूम कर बंद को सफल बनाने का प्रयास करते नजर आए। पेट्रोल डीजल की अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आहूत 12 घंटे के भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। राज्य में बंद के दौरान हिंसक गतिविधियों से बचने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इधर भारत बंद की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित रहा। CLP नेता तथा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने हाल ही में आयोजित उपचुनाव में NPP उम्मीदवार MM डांगो के पराजय के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात स्वीकार की है। संगमा के मुताबिक कांग्रेस के 5-6 विधायक NPP के साथ संपर्क में हैं और वे पार्टी को इस बारे में सूचित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संदेश स्पष्ट है कि रानीकोट उपचुनाव में NPP उम्मीदवार की हार भविष्य की हार को रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि जहां तक दक्षिण तुरा सीट का सवाल है, कांग्रेस ने पिछले 25 वर्षों में कभी सीट नहीं जीती थी। राज्य में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार बनाने के किसी भी प्रयास पर पूछे गए सवाल के जवाब में AICC नेता लुइजिनो फलेरो और CLP नेता ने कहा कि कांग्रेस MDA को अभी परेशान नहीं करना चाहती है। Last general election, when we faced the election, we were in government. We managed to get 4,000 votes. Okay, so that's the reality. Okay, party is not organized in Tura. Okay, party is not properly organized in Tura. And then we have not won this seat for last 20 years. This is the fifth term. Okay, so that means for 25 years, this particular constituency is not going to be represented by Congress.